नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने प्राकृतिक गार्डन से आलू की हार्वेस्टिंग करेंगे और यह आलू उगाने की बिल्कुल अलग तकनीक है। दोस्तों, आलू के पौधे सूखने के बाद इस प्रकार नज़र आ रहे हैं और इस संपूर्ण बेड पर हमने आलू उगाए हुए हैं। यह आलू ग्रो करने की बहुत ही अलग तकनीक है दोस्तों। इसमें क्या करना होता है, आलू की हार्वेस्टिंग के लिए घास को उठाना है और नीचे बिल्कुल साफ सुथरे आलू आपको नज़र आएंगे। इस कार्य में मेरी मदद मेरा बेटा भजन और परिवार के सभी सदस्य कर रहे हैं और यह तरीका मैं श्री फुलकुवार जी, जो काफ़ी लंबे समय से प्राकृतिक खेती करते हैं, और सुभाष पालेकर जी द्वारा बताए गए तरीके से जंगल नुमा खेती करते हैं, उनके पास देखकर आया था। वह गांव भैणी मातो महम जिला रोहतक हरियाणा में रहते हैं और यह आलू हमने बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से उगाए हुए हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का केमिकल या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया है और दोस्तों, इन आलुओं के अंदर कोई भी जैविक खाद का भी प्रयोग नहीं किया है। यह बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से ग्रो हुए हैं। इनके ग्रो करने का तरीका मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, काफ़ी बड़े साइज के आलू ग्रो हुए हैं। आलू ग्रो करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बेड तैयार कर 6-6 इंच की दूरी पर आलू रख देते हैं और 4-5 इंच मोटी घास की परत बना देते हैं। कुछ समय के बाद अपने आप घास के अंदर से पौधे निकलते हैं और उनके अंदर हम लिक्विड खाद डाल सकते हैं, जैसे कि जीवामृत वगैरह इसमें हम डालते हैं दोस्तों। और कुछ समय के बाद इस प्रकार से आलू की हार्वेस्टिंग हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से घास को उठाना है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको आलू नज़र आएंगे। जो पुराना तरीका होता है उसमें पहले मेड बनानी पड़ती है, फिर आलू ग्रो करने पड़ते हैं और कुछ समय के बाद दोस्तों आलू के पौधों पर मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। और जब आलू की हार्वेस्टिंग करते हैं खुरपी की सहायता से या किसी भी मशीन की सहायता से करते हैं तो कुछ आलू कट जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरे आलू आपको नज़र आएंगे। आलू का साइज देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे साइज के आलू ग्रो हुए हैं और लगभग 5 किलो बीज हमने इस बेड पर ग्रो किया था। हार्वेस्टिंग के बाद दोबारा से बेड पर मल्चिंग कर दी गई है ताकि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती रहे। और यहाँ पर हमारे नेचुरल गार्डन में 12-मासी बथुआ के पौधे हैं और यहाँ पर लीची के प्लांट पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यह हमने आज आलू की हार्वेस्टिंग की है दोस्तों। मैंने अपने निचले गार्डन में एक बेड पर 5 किलो आलू का बीज ग्रो किया था और आज हमने लगभग 50 किलो के करीब आलू की हार्वेस्टिंग की है और यह बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाए हुए हैं। इस वजह से इनका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। आलू का साइज देखिए दोस्तों, इस बैग के अंदर हमने सभी आलू डाल लिए हैं